अलग अलग जगह से खड़े हैं। आप कहाँ से हैं? नवादा। आप इधर? नवादा। आप इधर? दौलतपुर। बदलूगा। ठीक है, अलग अलग जगह का रहेगा, थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो आज जो हमारे अमरेंद्र तिवारी जी हैं, आप आइए। अमरेंद्र तिवारी जी, आप हमारे ये जो कमेटी, जो योगी वीर एथलेटिक्स टीम, जो बाराहाट इसीपुर भागलपुर की जो एथलेटिक्स टीम है, जो कि हम लोग आज तमाम हमारे जो अलग अलग क्षेत्र के हमारे स्थानीय जो बगल के क्षेत्र के हैं, जैसे कि नवादा हो गया, बाजितपुर हो गया, या बाराहाट हो गया, कमल चक हो गया, दुनिया चक हो गया, हरदे चक हो गया, दौलतपुर हो गया, या इधर उन जगह को बता रहे गोविंदपुर, पसाई चक, बाराहाट, अलग अलग जगह से जो हमारे आज एथलेटिक्स के जो नवयुवक जो दौड़ने वाले हैं, इनके अंदर जो जुनून देखने को मिलता है, लगता है कि आज शायद एक अच्छा प्लेटफॉर्म की जरूरत है अपने बाराहाट में, इस फील्ड से, जो कि इसीपुर का ये कीड़ा मैदान जो देख रहे हैं, यहाँ खेल का मैदान जो है, यहाँ से हजारों हजार इतिहास है, हजारों हजार लोग आज डिफेंस में हैं। आज आपके ये YouTube के चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि आज वैसे हमारे नवयुवक को जरूरत है, वैसे लोगों का जो इस फील्ड से गए हैं, आज इसको रास्ता बताने का काम करे आकर, कैसे हमारा ये जो नया जनरेशन है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको मार्गदर्शन का जरूरत है। तो आपका क्या राय है, बताइए अमरजीत जी, आप क्या, अमरेंद्र जी बताइए, आपका क्या राय है, क्या ये लोग के अंदर क्या जुनून नहीं है? बहुत जुनून है। क्या जरूरत है आज जो यहाँ से गए हैं, क्या उनको जरूरत है? सबसे पहले तो आपका मोटिव जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें ये चीज नहीं मिली तो हम घर छोड़ के यार अब मेहनत नहीं करना है, अब चलो घर की ओर चलो, वापस चलो, अब नहीं करना है, उब जाते हैं लोग। सोचते हैं कि नहीं हो रहा है तो चलो सबसे सस्ती क्या है, सरकार को दो गाली दे दो, इससे आसान काम है क्या लोकतंत्र में? कुछ आपको लगता है इससे आसान काम कुछ है? दो गाली सरकार को दे दो, इससे क्या समाधान होगा? दिस इज अनदर प्रॉब्लम। ये एक नई समस्या को जन्म दे रहा है, आपका इससे समाधान नहीं होगा। तो व्हाट यू हैव टू सी, आपको देखना कहाँ है, आपको सोचना कहाँ है? आप प्रॉब्लम देखना चाहते हो या समाधान देखना चाहते हो? क्या आपने किसी ने सोचा कि नहीं भाई अब आर्मी में चलो नहीं हो रहा है और दूर की सोचते हैं, देश के लिए जो है दौड़ लगाते हैं? कभी सोचा? उससे भी आगे सोचते हैं, ओलंपिक में सोचते हैं। ओलंपिक में भी तो आप ही जैसे कोई मंगल ग्रह से आने वाले लोग थोड़ो ना है, कोई मंगल ग्रह से आके दौड़ रहा है क्या? हम ही यहीं के तो लोग दौड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसी धरती के लोग दौड़ रहे हैं। जब वो दौड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं दौड़ सकते? हर किसी की सोचने की, अभी आप सोच सकते हो, आपकी एज है, हम नहीं सोच सकते? हमें, क्योंकि हर किसी चीज का एक समय है। आप वो काम कर रहे हो, देखो हर आदमी के पास टैलेंट है, जो आप काम कर रहे हो आप उसको बेहतर समझते हो, आप अच्छा दौड़ते हो। मैं बोलू कि मैं अच्छा दौड़ लूंगा आपसे, आप बोलोगे अरे यार मैं, जो जिसका काम है, जो आप कर रहे हो वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, आपको उसमें इम्प्रूव करना है। तो यही मेरी राय है कि अपने अंदर धीरे 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 जो है एक प्लान वाइज कि हमें सीढ़ी का जो है ना पहला दूसरा ऐसे, ये नहीं कि हम शुरू करें सीढ़ी पे दसवें सोचे अरे सबसे ऊपर चढ़ना है, हमें वहां की नहीं सोचनी है, हमें पहले फर्स्ट स्टेप का सोचना है कि कहां फर्स्ट पहला लात हम कहां रखें, पहली सीढ़ी मेरी कहीं कहां है, कहां खो गई, यहां से हमें सोचना है। तो ये जरूरी है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम क्लैप्स को। देखिए सबसे बहुत अच्छा पॉइंट बोले, जानते हैं हमारे विचार में आ रहा है, हम लोग अभी हमारे भाई हैं, खड़े हो जाइए सर। आप बताइए कि जो पहले आप अपना नाम बताइए। क्या? अच्छा, ये आपका घर नवादा। तो आप जो ये योगी वीर एथलेटिक्स टीम हुआ, इससे आपको क्या, कैसा फीलिंग हो रहा है, क्या आपको, क्या अंदर से क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद। तो और आपके अंदर, आप कितना किलोमीटर दौड़ सकते हैं एक बार बताइए, कितना किलोमीटर आप दौड़ लगा सकते हैं? आपको जब डिफेंस में जाना है तो आप कितना किलोमीटर आप दौड़ सकते हैं? 5 किलोमीटर एक रफ्तार से दौड़ सकते हैं या उसमें
गति कम या एक रन का दौड़ सकते हैं, एक समान दौड़ सकते हैं 5 किलोमीटर एक समान बैठ जाइए। तो कोई बहुत अच्छा, अभी मिथुन के पास ले चलते हैं आपको, जो आपके बीच का ही एक मित्र है मिथुन कुमार, खड़े हो जाइए। आपका नाम मिथुन, घर कहाँ है? बदलोगे। आप क्या मतलब, ये जो आपके साथ जो आपके दोस्त हैं, इस तरह आप लोग क्या कभी बैठ कर एक जगह कभी किसी संस्था संगठन का बात कर रहे थे? नहीं, लेकिन योगी वीर जो आपका जो योगी वीर एथलेटिक्स टीम जो गठन किया गया है, आपको कैसा इसके बाद महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? बढ़िया महसूस। इस पर कोई अच्छा से दो लाइन बोल सकते हैं? बैठ जाइए। चलिए आप जरा खड़े हो जाइए भाई। आपका क्या नाम है? अजीत कुमार। बहुत अच्छा नाम है अजीत कुमार। अभी सुनेंगे अजीत जी से, आपको क्या लग रहा है अभी तक में जो इतना दिन में दौड़ने आए हैं, इस तरह से आपको अलग अलग लोग जो आए कुछ मार्गदर्शन दिए, तो क्या योगी वीर जो एथलेटिक्स टीम है आपको आने वाले समय में इससे क्या आपको देगा, या आप एथलेटिक्स ये जो टीम जो गठन किया इससे आप क्या जुड़ के कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा एक बार बताइए आप क्वेश्चन अजीत जी, आप ये बताइए कि जब दौड़ना होता है तो जो नए खिलाड़ी दौड़ते हैं, जो नए धावक होते हैं, सबसे जरूरी चीज क्या होती है? डाइट कितना अहम है इसमें? खान पान कितना सही रखना होता है? खान पान सर सब टाइम पर खाना पड़ता है। दूध कितना पीते हैं सर आप? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर पीते हैं सुबह शाम दोनों टाइम जी। तो बाकी जो नए खिलाड़ी हैं उनको भी दूध पीना चाहिए दौड़ने के लिए जी, ताकि शरीर की जो सारी चीजें हैं वो सही सिस्टम काम करे। तब तो एक मशीन है, अगर वो सही रहेगी नहीं तो फिर वर्क कैसे करेगी? तो शरीर भी एक मशीन है। जो दौड़ते लोग हैं उनको मैं बता दूं इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि खान पान को सही तरीके से रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बस दौड़ लो और खाने पीने का जो है इंतजाम उतना सही नहीं होता। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार। पवन कुमार, आप ये बताइए कि कितना दौड़ लगाते हैं डेली? डेली 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अभी जो योगी वीर एथलेटिक संघ है इसमें आपका स्वर सिलेक्शन हुआ है, आप ये बताइए कि दौड़ जो लगाते हैं आप, तो दौड़ने के बाद थकान होती है, उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? दूध का ज्यादा प्रयोग करते हैं। दूध का, और केला भी सर सुनते हैं कि बड़े बड़े धावक जो है के लिए भी करते हैं, कहते हैं कि केला से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी। किसी के यहाँ मिलता है किसी के यहाँ नहीं मिलता, इसीलिए प्रोपर हम लोग का रहता है भोजन दूध ही, प्रॉपर भोजन दूध ही होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप नाम भी बताइए जरा सा, एक मिनट ध्यान दीजिए। आप लोग योगी वीर एथलेटिक्स टीम में आपको आज ये लोग से मिलकर कैसा लगा, और क्या ये लोग आपको क्या लग रहा है एथलेटिक्स जो हम लोग जो टीम बनाए हैं, जो योगी वीर एथलेटिक्स टीम, इसमें हम लोग ये लोग के लिए क्या क्या कर सकते हैं आने वाले समय में? यह संस्था जो है सबसे पहले इनके अंदर की जो प्रतिभा है उसको निखारने की काम करेगी। अंदर की प्रतिभा को निखारने का काम करेगी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत आदमी के अंदर जो है प्रतिभा रहते हुए वो कुंठित हो जाता है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है, जिसके कारण वह जो है ज्यों का त्यों अपनी जगह पर पड़ा रहता है। तो सबसे पहला काम संस्था ये करेगी। दूसरा ये करेगी कि एक दूसरे से आपका जो है तुलनात्मक मेरिट का जो है एहसास कराएगी, और आपको आगे की ओर पूरा ऊंचा उठाने की ओर जो है पूरा प्रयास करेगी, आपको छोटे इलाके से उठा करके पूरे राज्य और देश के स्तर। क्लैप्स गो संस्था जो है, और दिनों दिन आपकी संख्या जो है बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा, अभी बता रहे थे हमारे हरिराम भैया की, बहुत अच्छा कहा गया, एकता में बल है। क्या है? एकता में बल है। और निश्चित है जो मेरा सपना है, जो मेरा सोच है, हमारे निश्चित हमारे जो एथलेटिक्स का हमारा जो सदस्य है, निश्चित है एक ना एक दिन इतिहास रचने का काम करेगा। मैं जो कि अभी हम लोग का अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बहुत शुभारंभ ही है, इसका शुरुआत ही है, लेकिन आने वाले समय में मैं जितने भी लोग आज हम लोग फील्ड पर हैं, ये इसका दुगुना तिगुना चरगुना प्रयास करेंगे, इसमें जुड़ेंगे और एक अच्छा यूनिटी के साथ लोग को दिखाएंगे कि हम लोग के अंदर एक क्षमता है, कैपेसिटी पावर है। और निश्चित है आज इस मंच से मैं बताना चाहता हूँ, इस फील्ड से मैं बताना चाहता हूँ, तमाम हमारे जितने भी हमारे इस
जो एथलेटिक्स के टीम है सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको घबराना नहीं है, औकताना नहीं है, धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेना होगा। आपको बहुत सारा आंधी और पानी आएगा, उससे डटे रहना होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। जय हिंद, जय भारत।